के वायदों व घोषणाओं आदि को कतई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। चार बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है तो ये भी चुनाव खत्म होते ही जरूर बंद हो जाएगा, ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए, क्योंकि बीएसपी अभी ना तो सरकार में है और ना ही दूसरी पार्टियों की तरह पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि के धन बल पर चलने वाली पार्टी है। कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरवा चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। कि खासकर यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब यहाँ बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार ने पिछले 1.5-2 महीनों में जो यहाँ अनगिनत व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला ऐसा लगता है कि इलेक्शन घोषित होने तक ये लगातार जारी रहेगा। तो ये सब इनकी इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफ़ी कुछ दर्शाता है। इसके अलावा बीएसपी को छोड़कर यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अभी तक जो भरमार घोषणाएं व वायदे आदि किए हैं, तो ये भी इनके लिए अनेकों सवाल खड़े करता है। जैसे सपा की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश की जनता को जो किस्म किस्म के असंख्य व प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए हैं, तो उन पर यहाँ की जनता जल्दी से विश्वास करने वाली नहीं है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी अपने लंबे रहे शासनकाल में अपने 50% भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते, तो फिर आज ये पार्टी केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों से भी सत्ता से बाहर नहीं होती। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से अब जनता इनके वायदों व घोषणाओं आदि को कतई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। यही स्थिति इस मामले में हमें दूसरी पार्टियों की भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस मामले में बीएसपी बातें बहुत कम व कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती हैं। और ये सब आपको यूपी में चार बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और अब मैं खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इस पार्टी को जनहित व आम जनता के दुख दर्द आदि की थोड़ी भी परवाह व चिंता होती, तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं, और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। और अब कई राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार के डर से इनकी कीमतों में जो इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, तो इसकी भी भरपाई ये पार्टी चुनाव के बाद ब्याज सहित जनता से जरूर वसूल कर लेगी। इसे भी जनता को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसी प्रकार यूपी में
अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है, तो ये भी चुनाव खत्म होते ही जरूर बंद हो जाएगा। ऐसे अनेकों और भी अब किस्म किस्म के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जो चुनाव के बाद फिर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही यूपी की जनता को ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिलीभगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों नए नए गड़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा पूरा प्रयास कर रही है, ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये इन दोनों पार्टियों का अंदर अंदर ये प्रयास चल रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर ये सपा व भाजपा आदि को आपसी लाभ पहुंचाने की नीयत से इनकी स्वार्थ की राजनीति को पुनः उजागर करता है। हालांकि जनता अब इनसे काफी सजग भी है, साथ ही बीएसपी को ये पूरी उम्मीद भी है कि अब प्रदेश की जनता इनके इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र का शिकार होने वाली नहीं है। वैसे ये बात भी सर्वविदित है कि सपा व भाजपा की राजनीति हमेशा एक दूसरे के पोषक व पूरक रही है, और इन दोनों पार्टियों की सोच जातिवादी एवं सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर ही आधारित रहा है। इसी कारण जब सपा सत्ता में होती है तो भाजपा मजबूत होती है, और जब बीएसपी सत्ता में रहती है तो भाजपा कमजोर होती है। ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में कुछ ही समय के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ भाजपा द्वारा विधानसभा की 403 सीटों में से 300 व सपा द्वारा 400 सीटें जीतने की जो बात कही जा रही है, तो ऐसे में इनका ये दावा इतना अधिक बचकाना व हवा हवाई है कि इनकी इच्छा पूर्ति के लिए फिर तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर चुनाव आयोग को लगभग 1000 ही कर देनी चाहिए। चुनावी दावों व वादों पर यहाँ अपने देश में ना तो कोई टैक्स लगता है और ना ही उसके लिए किसी खास निष्ठा व ईमानदारी की जरूरत ही होती है। इसलिए आने वाले वक्त में पूरी तरह से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव ही ये बताएगा कि किसमें कितना है दम। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों व बाढ़ के समय में बाढ़ पीड़ितों आदि की भी मदद करने के मामले में बीएसपी ने हमेशा सबसे पहले इसकी पहल की है, और यहाँ हमारे लोगों ने अपने अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से बिना ढिंढोरा पीटे हुए यहाँ अति गरीबों व जरूरतमंदों आदि की लगातार मदद की है। वैसे भी हमारी पार्टी की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि बीएसपी अभी ना तो सरकार में है और ना ही दूसरी पार्टियों की तरह पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि के धन बल पर चलने वाली पार्टी है। जिनसे भी ये सरकारें इनका राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाई हैं, तथा वे आपदा में भी अवसर प्राप्त करके अपनी तिजोरी को ही अधिक भरते रहे हैं। ऐसी पार्टी व सरकारों से क्या जनता उनसे इसका हिसाब किताब नहीं करेगी, यानी कि जरूर करेगी। इसी प्रकार केवल आम जनता ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात संपूर्ण किसान समाज भी केंद्र सरकार की अहंकारी वादा खिलाफी एवं निरंकुश आदि व्यवहार से काफी ज्यादा गुस्से में है तथा आक्रोशित भी है। इतना ही नहीं बल्कि इनकी जातिवादी संकीर्ण पूंजीवादी व अन्य गलत नीतियों
वह गलत कार्य प्रणाली की वजह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से खासकर गरीब, मजदूर, बेरोजगार, छोटे व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी हैं। कोरोना काल में तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ये सब किसी से छिपा नहीं है। और अब मैं आप लोगों को अपनी पार्टी के बारे में भी ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पिछले महीने 9 अक्टूबर को माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर अपनी पार्टी के लोगों को अति महत्वपूर्ण कार्य ये दिया था कि यूपी की हर विधानसभा की सीट में पार्टी द्वारा गठित की गई सभी पोलिंग बूथों की कमेटियों की दिनांक 21 अक्टूबर से समीक्षा की जाएगी तथा चुनाव को खास ध्यान में रखकर उन्हें कैडर भी दिया जाएगा, जो ये कार्य पूरे प्रदेश में काफी युद्ध स्तर पर चल रहा है। दूसरा, जिनके अभी तक वोट नहीं बने हैं तो उनके चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नियमों के मुताबिक चलकर सभी बन जाने चाहिए। ये भी कार्य इस समय काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी मालूम है कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह चुनाव होने के नजदीक एक एक सीट पर कई कई टिकटार्थियों के जरिए भीड़ इकट्ठा करके अपनी हवा हवाई ताकत दिखाने में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। साथ ही मेरे सरकार में रहते हुए भी चुनाव के नजदीक वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह जिले जिले में जाकर हवा हवाई सरकारी घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन आदि नहीं करती है तथा न ही उनकी आड़ में आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक सभाएं करती है, बल्कि जरूरत महसूस होने पर स्टेट लेवल का एक आदि बड़ा प्रोग्राम करके लोगों को चुनाव की तैयारी में ही लगा देती है, जिसकी मैं बीच बीच में लखनऊ में खुद ही समीक्षा करती हूँ तथा पार्टी के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करके उम्मीदवार आदि भी तय करती हूँ। इसके साथ ही यह मैं ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा कुशीनगर व जेवर हवाई अड्डा आदि बनाने का जो वर्तमान भाजपा सरकार इसका खुद पूरा श्रेय ले रही है तो ये सही नहीं है, जबकि इन तीनों कार्यों की व अन्य सभी एक्सप्रेसवे तथा मेट्रो आदि की भी पूरी रूपरेखा बीएसपी की सरकार में ही बना दी गई थी और इसकी मेरी सरकार में शुरुआत भी कर दी जाती यदि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार इन कार्यों में रुकावट पैदा नहीं करती। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल परिवार केवल आरएसएस है, लेकिन मेरा मूल परिवार सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग हैं तथा मैंने अपनी सरकार में सभी धर्मों के लोगों के हितों का एक समान ध्यान दिया है, लेकिन इन्होंने केवल एक ही धर्म के लोगों में से कुछ विशेष जातियों के हितों का ही खास ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी में यदि मेरे भाई बहन व रिश्ते नाते तथा पार्टी के अन्य लोगों के भी भाई बहन व रिश्ते नाते आदि निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं तो ये कोई परिवारवाद नहीं होता है। ये सब भी इनको ध्यान में रखकर तब बीएसपी के ऊपर कोई उंगली उठानी चाहिए। इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं।
लेकिन इससे पहले मैं उत्तराखंड के आज 21वें स्थापना दिवस के मौके पर वहाँ की जनता को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। हालांकि इन 21 वर्षों में वहाँ जितना विकास व उत्थान आदि होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, ये भी काफी चिंता की बात है। इसके साथ ही छठ पूजा के चल रहे पर्व पर भी, त्योहार पर भी मैं इनके अपार मानने वाले लोगों को पूरे तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। शायद आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है श्री एससी मिश्रा जी, इनका आज जन्मदिन है, इनको भी मैं इनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।